हमारी आज की रेसिपी है हनी चिली पटाटो, वो भी घर के इंग्रेडिएंट्स है। मुझे पता है तकरीबन 30 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को। इस 30 दिनों में मैंने कोशिश करी आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आता रहूं। आज भी ऐसा ही कुछ किया है। आज हम लेके आए हनी चिली पटाटो। आप लोगों का बाहर का खाने का बहुत मन कर रहा था ना, तो लीजिए आज की रेसिपी और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी है। सबसे पहले तो हम हनी चिली पटाटो की सॉस बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिएगा होल रेड चिली, 3 से 4 गार्लिक के पॉड्स, 1 इंच जिंजर और सीडलेस किया हुआ टमाटो। बस इन सबको अब हमें बॉईल करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन में पानी गर्म कर रखा है। पानी बॉईल होने के बाद मैंने उसमें डाला है होल रेड चिली, जिंजर, गार्लिक और सीडलेस किया हुआ टमाटो। तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद इन्हें छान लीजिए और ठंडा कर लीजिए। फिर इन सबको पीस के प्यूरी बना लीजिए, सेम इसी तरह। अब हम बनाएंगे हनी चिली पटाटो के पटाटो फ्राइज। और फ्राइज बनाने के लिए हमें चाहिएंगे आलू। अब आलू को कर लीजिए पिलर की मदद से पिल। क्या आपने नोटिस किया हमने आलू किस तरीके के लिए हैं? हमें पतले और लंबे आलू चाहिए, विड्थ में मोटे नहीं होने चाहिए। अब हमें फ्रेंच फ्राइज की तरह इन्हें शेप देना है। सबसे पहले तो अपर और लोअर पार्ट को हल्का सा काट लीजिए ताकि दोनों शेप में आ जाए। अब ऊपर से नीचे तक 1/2 इंच से कम का कट लगा लीजिए, सेम इसी साइज का। अब जिस साइज का आपने कट लगाया था उसी साइज का फिंगर शेप में काट लीजिए, सेम फ्रेंच फ्राइज की तरह। ये देखिए, कट गए हमारे सारे फ्राइज। अब एक सॉस पैन में पानी गर्म करके इन्हें बॉईल कर लीजिए। बस 1/2 चम्मच नमक डालिए और फ्राइज डाल दीजिए। इन्हें बॉईल करना है तकरीबन 3 मिनट। 80% कुक करना है हमें इन्हें और 20% कच्चा रखना है। कच्चा इसलिए रखना है क्योंकि हम इन्हें फ्राई भी करेंगे। अब एक फ्लैट बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर हम सीजनिंग करेंगे हमारे फ्राइज की। जब बॉईल होने के बाद ठंडे हो जाए ना आपके फ्राइज, जब ही इसकी सीजनिंग करिएगा। फ्राइज के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डालिए क्रश पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सॉल्ट। और बाइंडिंग के लिए हमें इसमें डालना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर फ्राइज थोड़े से सूखे हैं तो हल्का सा पानी डाल लीजिए, फिर इसे घुमा लीजिए अच्छे से। यहाँ पे मैंने तेल को प्रीहीट कर लिया है और डाल ली है हमारी फ्राइज। अब लोग अक्सर यहीं गलती करते हैं, फिर बोलते हैं ऑयली हो गया, हमारा बैटर छूट गया। अगर ठंडे तेल में आप डालोगे तो यही होगा ना। और इस चीज़ से बचने के लिए जब भी कोई चीज़ आप तेल में फ्राई करें तो एक पीस पहले चेक कर लें, उसी के बाद फ्राई करें। ये देखिए, मैंने फ्राई किया है, उसमें ना तो बैटर उतरा है ना ही इसके बाहर लगी हुई चिलीज उतरी हैं, और वह भी एकदम क्रिस्पी है। आपको फ्राई से लो पे ही करना है। ये देखिए, फ्राई किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं हमारी फ्राइज को, फिर भी ये बहुत ही क्रिस्पी है। और इसकी जो हमने सीजनिंग करी थी वो भी सही सलामत है। फिर है सॉस, जो कि हमने चिली और टमाटो से बनाया था, हनी और यह सेशमे और कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए। अब एक पैन में सॉस डाल लीजिए। ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि फ्राइज ऑलरेडी फ्राइड है। उसके बाद आप इसमें डाल लीजिए तकरीबन 2 चम्मच हनी के, और उसके साथ साथ डाल लीजिए 1/2 चम्मच सॉल्ट और इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स। अब सॉस में आपको डालना है फ्राइज और उसके साथ साथ आप इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ कोरिएंडर। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो वो और भी अच्छा है। के बाद आप इसे लपेट दीजिए सॉस के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए, सॉस में लपेटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा हनी चिली पटाटो। बस आप गार्निश कर लीजिए आप सेसमी सीड यानी तिल के साथ। और बस सर्व करने के लिए रेडी है आपका हनी चिली पटाटो। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? बस ऐसे ही देते रहिए मुझे प्यार और मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए नई नई रेसिपीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।